बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस। आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर की बुक का जो है वो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 4 से है। चैप्टर नंबर 4 हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था, जिसका लिंक जो है वो मैं पिन कर दूंगी अपनी वीडियो के अंदर, जहां से हमने स्टार्ट लिया था कि इंटेग्रिटी क्या है और दो तरह की इंटेग्रिटी को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमने जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देखनी है जो रिलेशंस या टेबल्स के अंदर आ सकती हैं अगर हम नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं करते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फेलोज के साथ शेयर कर दें। ये आपकी तरफ से एक मोटिवेशन होती है, एक अनायत होती है कि न्यू से न्यू अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो आपके लिए लाया जाए। तो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पहली प्रॉब्लम जो हमारे रिलेशंस के अंदर आ सकती है अगर हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करते, उसका नेम है जी सिनोनिम। सिनोनिम इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द रिलेशंस दैट अकर व्हेन टू डिफरेंट नेम्स आर यूज्ड फॉर द सेम एट्रीब्यूट। बेसिकली उर्दू में सिनोनिम का मतलब होता है मुतरादिफ, ठीक है। जब दो अलग अलग नेम एक ही चीज के रख दिए जाएं तो इस प्रॉब्लम को बोला जाता है सिनोनिम। और हमने पढ़ा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेसिस में कि ऐसी अप्रोच जो है वो हमें यूज नहीं करनी चाहिए। एग्जांपल में देखें जी, एक आइटम का टेबल है, एक सप्लायर का टेबल है। आइटम वाले टेबल में एक सप्लायर कोड पड़ा है और सप्लायर वाले टेबल में सप्लायर आईडी, और बेसिकली ये दोनों नेम जो है वो एक ही चीज के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो ये चीज जो है वो आपके टेबल्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगली जो प्रॉब्लम है वो है जी होमोनिम। होमोनिम प्रॉब्लम के अंदर जो है बेसिकली अगली जो प्रॉब्लम है वो होमोनिम है। होमोनिम जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है रिलेशंस के अंदर जब आप सेम नेम यूज करते हो दो अलग अलग चीजों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, दो अलग एट्रीब्यूट्स के लिए सेम नेम। जैसे कि अगर हम किसी स्टूडेंट की एज बताना चाहते हैं तो हम स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर डेट ऑफ बर्थ का कॉलम भी डाल दें और एज का कॉलम भी डाल दें, हालांकि इन दोनों के लिए जो है वो क्या होनी चाहिए, एक नेम जो है वो यूज होना चाहिए। तो सेम नेम जब टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए यूज हो रहा हो तो इसे हम कहते हैं जी होमोनिम की प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से बचने का सलूशन क्या है कि आप डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट नेम्स यूज करें। सिनोनिम प्रॉब्लम से बचने का क्या है सलूशन, क्या था कि एट्रीब्यूट्स के नेम जो है वो सेम होने चाहिए अगर वो एक से ज्यादा जगहों पे आ रहा है। होमोनिम ये कहता है कि डिफरेंट नेम्स यूज होने चाहिए डिफरेंट चीजों के लिए, डिफरेंट चीजों के लिए सेम नेम जो है वो यूज नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल की बात करते हैं होमोनिम की। एक टेबल है आपके पास कस्टमर का, एक टेबल है सप्लायर का। कस्टमर वाले टेबल में जो है वो क्या आ रहा है आपके पास, कंपनी का नेम, और सप्लायर वाले में भी क्या आ रहा है जी, कंपनी का नेम, सप्लायर की आईडी और कंपनी का नेम। तो इस रिलेशन में देखें जो कंपनी का नेम है, यहाँ पे कस्टमर वाले में कंपनी का नेम जो है वो हो सकता है मुख्तलिफ हो जहां से वो चीजें खरीदता है, और सप्लायर वाले में कंपनी का नेम जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिफरेंट चीजों के लिए सेम नाम यहाँ पे यूज किए गए हैं, ये अप्रोच जो है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो डेटाबेसिस के अंदर आ सकती है दैट इज नोन एज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ द डाटा व्हेन सेम इंफॉर्मेशन अननेसेसरली स्टोर्ड इन टू डिफरेंट वेज और फॉर्म्स। इस चीज को हम बोलते हैं कि ये रिडंडेंसी की प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पे देखें एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है। तो डेट ऑफ बर्थ और एज जो है ये दो अलग अलग कॉलम्स के अंदर स्टोर करवाई गई है, हालांकि इन दोनों से एक ही चीज पता लग रही है, तो ये अप्रोच भी डेटाबेसिस के अंदर जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेट्स मूव टूवर्ड द लास्ट प्रॉब्लम जो आ सकती है अगर हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करते, दैट इज नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डेटा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डेटा प्रॉब्लम की ऐसी टाइप है जो टेबल्स के अंदर आ सकती है अगर आपके जो एट्रीब्यूट हैं, अगर आपके एक कॉलम ऐसा है जिसकी पॉसिबल वैल्यूज या येस या नो या ट्रू और फॉल्स जो है वो हो सकती है। तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि ऐसे एट्रीब्यूट की वैल्यू एट द सेम टाइम ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट कर दी जाए जो कभी भी नहीं हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है और उसका स्टेटस है कि वो मैरिड है या सिंगल है। तो अगर गलती से
मैरिड वाला भी सिलेक्ट हो जाए और सिंगल वाला भी सिलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटेग्रिटी की तरफ नहीं जाएगी, ना ही एक्यूरेट होगी, ना ही कंसिस्टेंट होगी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो डेटाबेसिस में टेबल्स के अंदर आ सकती हैं अगर हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करते। तो क्या पढ़ा हमने आज के लेक्चर में, सबसे पहले इंटेग्रिटी की बात की। प्रीवियस लेक्चर में इंटेग्रिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। इंटेग्रिटी दो तरह की होती है, एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी की होनी चाहिए टेबल में और प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी में हमने पढ़ा था कि आपके पास जो फॉरेन की है, आपके पास आपके टेबल की जो फॉरेन की है उसकी वैल्यू जो है वो प्राइमरी की से मैच होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ी जी डिफरेंट प्रॉब्लम। सिनोनिम में हमने पढ़ा था कि एक चीज के लिए जो है वो डिफरेंट नेम्स। होनोनिम में पढ़ा हमने डिफरेंट चीजों के लिए सेम नेम। फिर हमने पढ़ा जी म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा और रिडंडेंसी। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको जो है वो पसंद आया होगा। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे लेक्चर से जुड़े रहिएगा। डेली जो है वो वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लेक्चर सुने और साथ के साथ जो है वो नोट्स बनाते जाएं। थैंक यू।